आज की वीडियो में हम यूजर को क्रिएट करेंगे टाइप को और यूजर टाइप को एडिट करेंगे। बाकी डिलीट का जो फीचर है वो इसको हम बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इस फीचर को हम इम्प्लीमेंट करें या इसको छोड़ दें। उससे पहले आपको अगर प्रीवियस वीडियो चाहिए तो वो आपको इस चैनल पे मिलेगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ERP एंटरप्राइज रिसोर्सेस प्लानिंग फॉर बिजनेस, ये आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारे वीडियोस जो प्रीवियस है वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। बाकी अपडेट वीडियोस के लिए या और प्रोजेक्ट्स जो हम अपलोड कर रहे हैं रोजाना के बेस पे, उसके लिए आपको यहाँ पर इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉर गेट द अपडेट एंड नोटिफिकेशन क्लिक ऑन द बेल बटन, उससे आपको मिलेगी जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उस टाइम पे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपके मोबाइल पे आपके सिस्टम पे। चलते हैं हम प्रोजेक्ट की तरफ। सो नाउ राइट हियर पब्लिक एक्शन रिजल्ट और क्रिएट यूजर टाइप, एंटर एंड रिटर्न व्यू और वॉर यूजर टाइप MV इज इक्वल टू न्यू यूजर टाइप MV। इसका एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए जो हम पास करें व्यू को, और इसका पर्पज ये है इसका कि जो व्यू में फील्ड है वो इसे इनिशियलाइज होता है। तो इनिशियलाइजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो हम व्यू को एज ए मॉडल पास करें, मॉडल को हम इसको पास करें व्यू में जो मॉडल है। सो नाउ राइट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन द ऐड व्यू, और यहाँ पर एक व्यू को हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पर हमें जाना है क्रिएट पे, और यहाँ पर हमें अब सर्च करना है TBL यूजर टाइप एंड क्लिक ऑन एंटर बटन। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जो पास किया है इस व्यू को वो है यूजर टाइप MV मॉडल। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पर हमने यूजर टाइप MV को यहाँ पर पास किया है, तो हमें यहाँ पर मॉडल में क्या चीज चाहिए, ERP.models और ये चाहिए, क्योंकि व्यू से जो रिटर्न में मिलता है वो क्या आ जाता है वहां से, यूजर टाइप MV का ऑब्जेक्ट। तो यूजर टाइप तो यहाँ पर भी हमें वो चाहिए, क्योंकि मॉडल में जब व्यू लोड होता है तो उस टाइम ये मॉडल जो है इसमें यहाँ पर आ जाता है, तो इसके लिए हमें यही यूजर टाइप यहाँ पर हमें जो है मेंशन करना है यहाँ पर। सो नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, अब न्यू यूजर टाइप फिर और यहाँ पर यूजर टाइप, यहाँ पर भी यूजर टाइप, और एहतियात के लिए यहाँ पर हमें एक और चीज भी करना है कि ये हमारे पास जो व्यू है ये कौन सा है, क्रिएट व्यू, ये जब मैं फॉर्म की बटन पे क्लिक करूंगा सबमिट पे या क्रिएट पे चाहे जो भी हो, लेकिन जिस बटन का टाइप सबमिट हो तो जब मैं उस पे क्लिक करूंगा तो वो किस एक्शन, वो किस कंट्रोलर में किस एक्शन को जो है ये डेटा पोस्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन करूंगा। सो नाउ राइट यूजर टाइप, ये उस एक्शन का नाम होगा जो पोस्ट टाइप हो उसका, और यहाँ पर जो है कंट्रोलर हमारे पास है यूजर, और उस एक्शन का जो टाइप है वो कौन सा होना चाहिए, फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट होना चाहिए, जो ऊपर हम लिखते हैं एक्शन पे HTTP पोस्ट। सो इट्स मींस कि उसका एट्रीब्यूट्स क्या होना चाहिए, उसका टाइप क्या होना चाहिए, उस एक्शन का पोस्ट होना चाहिए। तो चलिए अभी हमारे पास क्रिएट हो गया, अब इसके नीचे मैं एक और हिडन फील्ड लेता हूँ @ HTML.hiddenField, क्योंकि ये हिडन फील्ड भी हम एहतियात के लिए दे रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम हिडन फील्ड्स नहीं लेते और हम एक अलग मॉडल बनाते और इसको लिंक नहीं करते एंटिटी डेटा मॉडल्स की मॉडल से, तो फिर उस टाइम पे हमें बाज़ औक़ात ये मसला हो जाते हैं कि कुछ फील्ड ऐसे होते हैं मॉडल में कि वो हम यहाँ पर उसको मेंशन नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं, तो उस दौरान में क्या होता है यहाँ पर कि फिर ये डेटा
पोस्ट मेथड में नहीं आते, सॉरी पोस्ट एक्शन में नहीं आता है, तो उसकी एहतियात के लिए हमें क्या करना पड़ता है। फिर इक्वल यहाँ पर जो है हमें जो फील्ड हम यहाँ पर शो नहीं करते यूज़र को, केस में डिफ़ॉल्ट डेटा यहाँ पर आएगा तो वो हमें यहाँ पर फिर हिडन लेना जो है बहुत ज़रूरी है, तो उसको हिडन यहाँ पर मार्क करें। इट्स मी के मतलब इसको भी हमने यूजर इंटरफेस पे ले कर आए लेकिन एज ए हिडन है, ठीक है। सो नाउ ये यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हमें दोबारा व्यू पे जाने हैं और यहाँ पर इसके नाम से हमें यहाँ पर एक पोस्ट मेथड बनाना है। अगर आप इस नाम से ना भी बना ले तो कोई मसला नहीं है, नेम चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर वो नाम फिर मेंशन करो जो एचटीटीपी पोस्ट जो है मेथड आप बनाते हो, तो उसका अगर नेम चेंज भी हो तो मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हमें अब क्या कर रहे हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट और यहाँ पर ये वो नाम, और इसके बाद अच्छा यहाँ पर पहले हमें अब क्या करना है, यहाँ पर हमें पैरामीटर चाहिए जो मॉडल का जो डेटा टाइप है वो हमें चाहिए। तो मॉडल डेटा टाइप क्या हमारे पास, ये हमारे पास ये कस्टम डेटा टाइप है ना, हमने स्टडी किया, हमें सीखा था ना प्रीवियस जो सी शार्प कोर्स था उसमें हमने ये सीखा था कस्टम डेटा टाइप हम कैसे बनाते हैं। कस्टम डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, नंबर भी स्टोर, इंटीजर भी स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर करते हैं, चाहे जो डेटा टाइप हम चाहे उसकी प्रॉपर्टी बना के उसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर भी हमें वो चाहिए। सो नाउ यूजर एमयू हमारे पास और इसको नाम दे रहे, अब नाम हमें यहाँ पर क्या देना है, ये पॉइंट बिल्कुल अपने साथ नोट करो, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी मसले स्टूडेंट्स को भी होता है, बिगिनर्स को भी होता है, इवन एडवांस लोगों को भी आता है, लेकिन फिर वो ये मसला बहुत टाइम में उसको ट्रैक करता है। तो उसके लिए मैं आपको आसान यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ, बस आपको लाइफ टाइम उसको जो है यूज़ करने आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो नाम आपने यहाँ पर लिखा है यूज़र टाइप एम बी, यहाँ पर इसको स्मॉल में लिख दें। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो क्लास है, तो क्लास का पहले कैरेक्टर आपके साथ जो है कैपिटल होना चाहिए ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन में आपको मसला ना हो। तो पहले कैरेक्टर कैपिटल लेके बाहर में अगर वो कोई सेकंड वर्ड आ जाए तो इसका कैरेक्टर भी कैपिटल लिख दे, और ये एम बी भी मैंने कैपिटल लिखा है। तो अगर मैं अब इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। मैं इसके नाम से भी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन सही तरीका ये है कि आप इसको स्मॉल ले लें, पैरामीटर स्मॉल, वेरिएबल का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल। ये हमारे पास जो है बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है हमारे पास। सो नाउ अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न व्यू, और व्यू में हम क्या रिटर्न करते हैं, इस यूजर टाइप को जो हमारे पास है। अगर कोई इशू कोई मसला आ जाए तो जो वैल्यू यूजर ने एंटर किया है वो दोबारा इसको उस टेक्स्ट बॉक्स में शो भी करें और उसको एरर भी शो करें। अच्छा फॉर द वैलिडेशन हमें अब इसको कॉपी करना है यहाँ पे और इसको पेस्ट करना है, इधर भी पेस्ट करना है यूजर टाइप पे भी और यहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है। F4, अब इसको हमें मॉडल चेक करना है कि मॉडल जो व्यू से इस पोस्ट एक्शन में आया तो अब उसका जो है स्टेटस क्या है, वो वैलिड है या इनवैलिड है। सो चलो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ये मॉडल स्टेट एक्चुअली हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास अगर यहाँ पर हमारे यूजर टाइप में तो ये जो मॉडल है इसमें जो डेटा आता है और इस मॉडल में हमने जो वैलिडेशन किए हैं ये उसको चेक करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पहले आपको दिखाता हूँ ये वैलिडेशन जो हमने किए हैं, ये क्या करते हैं, इन वैलिडेशन के बेस पे इन पे डेटा जो है चेक करते हैं इसमें डेटा है कि नहीं। अगर नहीं है डेटा और डेटा पोस्ट हो गया तो यहाँ पर इसका फिर इस वैलिड जो है ये फॉल्स होगा। अगर डेटा कंप्लीट है बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो ये इस वैलिड ट्रू होगा। तो मैंने यहाँ पर स्टेटस लगा दिया मॉडल स्टेट इज वैलिड मीन्स अगर ये ट्रू तो फिर यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इसको चेक करें कि यूजर टाइप ऑलरेडी डेटाबेस में है कि नहीं, और चेक यूजर टाइप इज इक्वल टू डी बी डॉट डी बी एल यूजर टाइप टाइप्स डॉट वेयर, और इसके बाद यू इज इक्वल टू और फिर यू डॉट यूजर टाइप नेम इज इक्वल टू इक्वल टू, और यहाँ पर जो है यूजर टाइप है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी यूजर टाइप हो को यहाँ पर मैच करें, इसको मैं ट्रिम करता हूँ
ट्रिम यूज होता है फॉर रिमूविंग द लेफ्ट एंड राइट स्पेसेस। सो नाउ अगर इसको हमने यहाँ पर चेक कर दिया, इसके बाद सेमीकोलन लगा दें, मीन्स टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट एंड नाउ चेक कि हमारे पास जो है यूजर टाइप आ चुका है कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे छोड़ दूँ तो फिर यहाँ पर मुझे लिखना होगा अकाउंट। सो फॉर एक्स्ट्रा कोडिंग आपको क्या करना है, अगर आप एक्स्ट्रा कोडिंग करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा होगा, कोड कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिखना है फर्स्ट डिफॉल्ट। और फर्स्ट डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि मुझे फर्स्ट ऑन रो चाहिए, बस बाकी को छोड़ दो। अगर इस डेटा से और भी वैल्यू मैच हो जाए ना तो उसको छोड़ दो, बस मुझे फर्स्ट ऑन चाहिए। ठीक है, तो टॉप वन हमारे पास यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगा। नॉर्मली हम इस एसक्यूएल क्वेरी में इसको टॉप वन से लिखते हैं, टॉप वन, टॉप टेन, टॉप टॉप थाउजेंड ये लिखते हैं। सो यहाँ पर चलिए मैं आपको इसके एसक्यूएल में भी ये चीज़ देखो बताता हूँ ताकि आप लोगों का और भी जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हर पॉइंट जो है मैंने आपको बताया कि मैं 20 वीडियो तक इसको क्लियर करूँगा, बाकी मैं प्रोजेक्ट को ही ख़त्म करूँगा क्योंकि वो जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो ख़त्म हो जाएगा बस। Connect the SQL server, then go to the database या किसी भी डेटाबेस में जाओ, ठीक है वो मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आते हैं फिर इसके बाद यूजर टाइप पे, यहाँ पर टेबल्स और यूजर टाइप पे मैंने क्लिक करी, अगर राइट क्लिक करो सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पहले 1000 रोज आएंगे। चलिए मैं यहाँ पर 2 रोज चाहिए हमें, तो 2 आ गए। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए तो वन, लेकिन वो टॉप वन जो है ये डिफॉल्ट है उधर, ये फर्स्ट और डिफॉल्ट में लिखता हूँ ना उधर, उसका मीनिंग ये टॉप वन। तो मीन्स अगर इसके साथ वैल्यू मैच है, अगर ज्यादा रोज है तो ज्यादा रोज को हमें नहीं चाहिए, बस 1 रोज चाहिए, अगर नहीं है तो नल यहाँ पर स्टोर करो। तो अब मैं यहाँ पर कैसे जो है कंडीशन हम लगाएंगे, इक्वल टू नल लगाएंगे, तो ये वैलिडेशन आसान हो गया हमारे लिए। समझ आ गया आपको पॉइंट? तो पर जो कोडिंग जो है ना आपको क्लीन करना है, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, कॉम्प्लेक्स में चलोगे तो इश्यूज जनरेट होगा, बग्स जनरेट होगा और मसले जनरेट होंगे, फिर एप्लीकेशन का प्रोडक्टिविटी डाउन, अवेलेबिलिटी डाउन, कंपेटिबिलिटी डाउन, इट्स मीन्स कि एप्लीकेशन का मकसद ही नहीं है मार्केट में। तो आप लोगों को कोड जो है वो सिंपल करना है। सिंपल कोडिंग में क्या होगा, सिक्योरिटी होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी होगा, सिंप्लिसिटी होगा, टाइम आपका ज़ाई नहीं होगा, जो प्रोजेक्ट का जो डिलीवरी टाइम है वो कम होगा, मतलब क्लाइंट को जल्दी जो है आपका एप्लीकेशन डिलीवर होगा तो मार्केट पे आपका एक नाम भी होगा, मार्केट पे आप लोग आगे भेज जाओगे। अगर आप एक डेवलपर हो कंपनी में तो कंपनी आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा क्योंकि आप जो है उनको कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट देते हो, तो आपकी सैलरी इंक्रीज, आपकी स्किल इंक्रीज, कंपनी आपको ज़्यादा सपोर्ट देगा। तो इस जो कॉम्प्लेक्सिटी में इतनी इशू और सिंप्लिसिटी में इतनी आसानी और इतने फ़ायदे, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी टूल्स है, जितनी भी लैंग्वेज है, वो ऑलरेडी पेड और वो सिक्योर है, तो आप लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कंपनी सिक्योरिटी लेवल्स यूज़ करते हैं वो आपको प्रोजेक्ट में वो सिखाएगा कि आपको इन लेवल्स को जो है आपको फॉलो करना है, तो उन चीज़ों जो है वो आपको खुद प्रोवाइड कर देगा, वो आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को या मतलब सीखने की। बाकी अगर नॉलेज के लिए सीखते हो तो सीख लो, लेकिन कोड हमेशा सिंप्लिसिटी पे जाओ कोड के साइड पर। चलते हैं यहाँ पर, अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो डेटाबेस को हम पास करते हैं, उसमें डेटा होगा यूज़र टाइप, तो और न्यू यूज़र टाइप इज इक्वल टू न्यू। अब डेटाबेस में हमारे पास क्या चीज़ है, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास में TBL यूजर टाइप है ना उधर, तो हम इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएंगे, न्यू यूजर टाइप डॉट यूजर टाइप और इज इक्वल टू यहाँ से इस यूजर टाइप MV से हम इसमें यूजर टाइप को पास करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, अब db.TBL यूजर टाइप एंड .add, याद रखो हमेशा, अब नॉर्मल ऐसा होता है कि यहाँ पर जब भी हम टेबल लिखते हैं तो उस नाम को यहाँ पर नहीं लिखते हैं जो हमारे पास किस क्लास में होता है, यहाँ पर होते हैं TB कॉन्टेक्स्ट में, इसमें
वो नाम हम नहीं लेते, या तो स्मॉल कैपिटल में हम मसला करते या हम हमेशा जो है उसमें कुछ मिसिंग कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं नॉर्मली, जैसे मैं लिखता हूँ TBL और जो यूजर लिखता हूँ TBL, यूजर भी आ गया, यूजर टाइप भी आ गया, तो हमेशा गलत सिलेक्शन करते हो। यहाँ पर कहते हैं कि ये तो हमें एरर देता है, लेकिन हम देख कुट को रिवाइज नहीं करते। तो कुट को रिवाइज करना सीखो, और यहाँ पर क्या करते हैं कि मैंने तो कोड यहाँ पर कंप्लीट किए, अब क्या मसला है, और बार बार इसको देखते, लेकिन कोड को रिवाइज नहीं करते, चेक नहीं करते, उसको सिमिलरिटी इसको चेक नहीं करते। तो इसको ज़रूर यहाँ पर जो है इन चीज़ों का एहतियात करो, ये नॉर्मल इश्यूज है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है नोटिफाई करता हूँ, वाजह करता हूँ कि इन चीज़ों में जो है अगर आपके साथ जो भी मसला है तो इन ही चीज़ों में होगा। इंसान ने गलती करते तो एहतियात करो कि मतलब खुद भी गलती ना करो और दूसरों को भी सिखाओ कि ये जो है बिगिनर्स जब भी कोडिंग करते हैं तो ये वो इश्यूज है जो इनके सामने आते हैं। तो बस टाइम जो है उसके जहन पे कोई बोझ होता है या कोई और चीज़ होता है, तो इसकी वजह इसको नज़र नहीं आती कि मैंने यहाँ पर कैसे लिख किया, लेकिन असल में वो इसने TBL यूज़र को सेलेक्ट किया है बजाय इस TBL यूज़र टाइप की। तो इन चीज़ों से भी जो है ज़रा गुरेज करो। अच्छा, इंटीजर और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज। अब ये नंबर ऑफ रोज क्या चीज़ है, ये db.saveChanges मुझे रिटर्न करेगा कि मैंने कितनी रोज को टेबल में सेव कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 1 रिटर्न होगा क्योंकि मैं तो एक रिकॉर्ड को सेव करता हूँ। तो fom यहाँ पर करता हूँ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 है मेरे पास, तो यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, ये कम करो, ये वैसे भी यहाँ पर डेटा शो हो जाए, मतलब सेव हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को बस ख़त्म करो, वो हम बाद में जो है फिर जब वो अकाउंटिंग वगैरह उसमें जाएंगे तो फिर ये भी रिडक्शन उधर कर देंगे, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है, अब रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और रीडायरेक्ट टू एक्शन में हमें जाना है यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास है एक्शन, उसमें ये ऑल यूजर टाइप पे, तो ये हमने ये जब इनसाइड है एक्शन, अगर आप रीडायरेक्ट करते हो इसको तो इसका जो है ओवरलोड मेथड जो है हम फर्स्ट वन यूज करते हैं सिर्फ एक्शन इसको पास करने। अगर आप अगर मतलब आप अगर किसी और कंट्रोलर में हमें जाना है तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड नहीं थर्ड वन जो ओवरलोड मेथड है उसमें हमें कंट्रोलर को भी इसको सेट करना है। अगर एक्शन को कोई वैल्यू वगैरह चाहिए, पैरामीटर वैल्यूज, तो वो फिर आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर फिर आना है रूट वैल्यू को पास करना है, रूट वैल्यू में हम पैरामीटर को पास करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम इसको भी करेंगे, ज़्यादा यूज है इसका इस एप्लीकेशन में GRP सिस्टम है। अच्छा, अगर नल नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर शो करना है उस नीचे जो हमारे पास जो यूजर टाइप जो फील्ड है व्यू में, क्रिएट व्यू में, उसमें हमें मेंशन करना है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हमें क्या करना है, मॉडल स्टेटस डॉट एड मॉडल एरर, और एरर हमें किधर शो करना है, यूजर टाइप जो फील्ड है उसके साथ व्यू में। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है इधर ये शो होगा, इस वैलिडेशन मैसेज फॉर इसकी जगह पर ये शो होगा। तो हमें यहाँ पर जो है इसको फील्ड चाहिए कि किस फील्ड के साथ शो करो, और दूसरा जो है यहाँ पर एक्सेप्शन, सॉरी मैं सेकंड वन जो है इसका ओवरलोड मेथड यूज करूँगा कि हमारे पास क्या है, फील्ड का नाम है। और एरर मैसेज जो है वो मैसेज है जो इसके नीचे शो होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी EXIST exist, already exist, और बस नीचे रिटर्न हो जाएगी, हमें और कुछ यहाँ पर नहीं करना है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो यूजर टाइप जो व्यू था वो हमारे पास प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो चुका है क्या नहीं। और हमें यहाँ पर एक और चीज भी करना है, लेआउट में हमें जाना है यहाँ पर, और ऊपर हमें जो है मीनियो जो हमारे पास है उसमें हमें जाना है यहाँ पर, ये सेटिंग थीम्स इनको छोड़ दो, लेवल
ये हमारे पास ये मेन्यूज हमारे पास है इधर। उसमें जो है डैशबोर्ड वगैरह लिखा हुआ, ये डैशबोर्ड वगैरह लिखा हुआ है इधर। हमें यहाँ पर जो है ये इस विज में जो है हमें इसको जो है यहाँ पर सेट करना है। तो ये लेआउट से हॉरिजॉन्टल वगैरह कंपोनेंट्स के नीचे यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर टाइप्स, और इसकी जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ यूजर ही लिखता हूँ, क्योंकि इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये इसके नीचे यहाँ पर एलिमेंट्स और बटन ऑफ ये सब चीजें फिर शो होगा। तो यहाँ पर होगा हमारे पास यूजर्स सेटिंग, और इसके नीचे अब ये बटन हमारे पास है, तो बटन में हमें क्या लिखना है यहाँ पर यूजर टाइप्स। और यहाँ पर यूआरएल में अब हमें यहाँ पर ऐड करना है एट द राइट लिखना है, यूआरएल लिखना है, डॉट कंटेंट लिखना है, और बाकी आप लोगों को यूआरएल का मैपिंग जो है वो को पता है कि पहले डेल्टा साइन डालना है, फिर स्लैश लिखना है, फिर कंट्रोलर हमारे पास यूजर है, और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो ऑल यूजर टाइप्स है उसको यहाँ पर इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर इसको एंटर करें। तो ये हमारे पास हो गया ऑल यूजर टाइप्स। So now click here and run the application. Enter username and password. So now projects at iliassoft.net, and then write here the password admin, and now login. Write here projects. At iliassoft.net. और इसके बाद यहाँ पर ये जो ईमेल मैं लिखता हूँ यहाँ पर project@iliassoft.net से आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये सपोर्ट ईमेल है। अब मैं इसको चेंज करूँगा इंशाल्लाह जब टाइम मुझे मिल जाए। support@iliassoft.net या support@iliassoft.net लिखता हूँ, कोई ईमेल मैं बना देता हूँ, तो फिर वो जो है उससे आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो नहीं है, मतलब व्हाट्सअप या वगैरह अगर नहीं है, तो इससे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें मुझे किधर जाना है, यहाँ पर ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट में यूजर है, यूजर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यूजर टाइप पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये हम मेरे पास जो है आज यूजर टाइप यहाँ पर लोड हो चुके हैं। सो नाउ अब मैं न्यू यूजर टाइप पे अच्छा क्रिएट यूजर टाइप ये मैं चेंज कर दूंगा, फिर इससे लोड होगा। अच्छा, द करंट रिक्वेस्ट ऑफ एक्शन गेट यूजर कंट्रोलर इज एम्बिगस बिटवीन द फॉलोइंग। अगर अब यहाँ पर कंट्रोलर में आप देखिए, तो यहाँ पर हमने एक को एक नाम से दो एक्शन बनाए, लेकिन इसको HTTP पोस्ट मार्क नहीं किए। तो क्या करना है हमें, HTTP पोस्ट हमें इसको ऐसे हमें मार्क करने, और फिर यहाँ पर इंडी फॉरन की रिलेशनशिप आपको यहाँ पर वीडियट करना है। इसको सेव कीजिए, दोबारा रिस्टार्ट करें। Now write here the username. Admin. अब इन बटन्स को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जब मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो मसला आ जाता है। प्रोजेक्ट्स नाउ क्लिक ऑन द लॉगिन बटन,
user, user types. Go to the view of all user types. और यहाँ पर ये नाम ये हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसका नाम जो है हम रखते हैं यहाँ पर क्रिएट यूजर टाइप है, सो नो कॉपी द नेम और यहाँ पर इसको पेस्ट करें और इसको एक बार जो है इसको रिफ्रेश करें। अब मैं जब यहाँ पर माउस होवर कर दूँ तो आप ये कॉर्नर में देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यूजर स्लैश क्रिएट यूजर टाइप, सो नो क्लिक। अब यहाँ पर मैं यूजर टाइप डेमो यूजर यहाँ पर लिखता हूँ। डेमो यूजर वो होगा जब एक बंदा चाहे कि मैं इसको यूज करता हूँ, मतलब पहले इसका डेमो चेक करता हूँ एप्लीकेशन का, फिर बाद में मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करूँगा तो एक डमी डेटा होगा हमारे प्रोजेक्ट में, उससे वो अपने जो है चेक कर सकते हैं कंपनी में क्या होगा, इस चीज़ में क्या होगा। तो ये डमी यूजर इसलिए मैंने डाला कि ये कंपनी बेस्ड यूजर होगा। सो नाउ क्रिएट, जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ही डमी क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पर डेमो यूजर आ गया ना, यहाँ पर ये डेमो यूजर यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके सो ये हमारे पास था कि हाउ टू क्रिएट अ यूजर टाइप्स। इन कमिंग वीडियो आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द एडिट्स।